है वो धुंध नहीं बल्कि प्रदूषण है जो जान लेने पर उतारू है। दिल्ली समेत लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर चारों तरफ धुएं की धुंध ही नजर आ रही है। बात अगर करें AQI की तो जिलों में AQI 400 के पार जा चुका है, जो कि अपने आप में खतरे का सूचक है। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI में अच्छा और 51 से 100 के बीच AQI संतोषजनक, 101 और 200 के बीच AQI मध्यम और 201 से 300 के बीच AQI खराब माना जाता है, लेकिन 301 और 400 के बीच AQI बेहद खराब और 401 से 500 के बीच AQI बेहद गंभीर माना जाता है। 5 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं और देखिए प्रदूषण का स्तर किस कदर चिंताजनक स्थिति में आ चुका है। ये 5 तस्वीरें अगर आप देख सकते हैं तो कानपुर की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो ये कोहरा लग रहा है, लेकिन ये कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण है जिसकी वजह से ये धुंध है। मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो इसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ, यहाँ पर भी बहुत धुंध है। अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हम लोग बात करें तो उसमें भी धुंध आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर छिड़काव किए जा रहे हैं धुंध से निपटने के लिए, लेकिन उसका कुछ फायदा होता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली की मैं बात करूँ तो चैम्बर सा बन गया है दिल्ली, और उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में प्रकोप बढ़ा है, उसमें कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, तो ये टॉप के नाम है जिन पर प्रदूषण बढ़ रहा है। कानपुर की तस्वीर आप देखिए, दिन की तस्वीर है, लेकिन आपको शाम को जैसे 6 या 7 बजे का सीन नजर आ रहा होगा, लेकिन ये जो तस्वीर है ये दिन की है। इस स्तर की वहाँ पर धुंध होकर इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर भी फैक्ट्रीज बहुत हैं और तमाम बातें हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। मुरादाबाद की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोहरा जैसा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप ये भी पूरी धुंध है। देश की राजधानी की बात करें तो वहाँ तमाम उपाय किए जा रहे हैं धुंध से बचने के लिए या पॉल्यूशन को कम करने के लिए। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला अधिकारी ने गंभीर रुख अपनाते हुए प्रदूषण बोर्ड के लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। के न्यूज द्वारा लगातार कवरेज के बाद हरकत में आए लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने क्षेत्रीय अधिकारी से जवाब तलब किया है और लापरवाही बरतने पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वेतन रोकने का भी आदेश दिया है। यूपी का बुलंदशहर प्रदूषण के मामले में स्थिति काफी खराब हो चुकी है। प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ना है और AQI 365 पहुंच गया है, जिसकी रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुट गया है। देर रात प्रशासन ने सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल इलाके में प्रदूषण फैला रही 3 फैक्ट्रियों को बंद कराया। इतना ही नहीं, खेतों में कृषि अपशिष्ट फूंकने के 32 किसानों पर FIR दर्ज कर जुर्माना भी लगाया। इसके बावजूद हालात बेकाबू हो चुके हैं। SDM वित्त एवं राजस्व प्रदूषण कंट्रोल के नोडल अफसर की माने तो जनपद में पराली जलाने का प्रदूषण नहीं है बल्कि दिल्ली और दूसरे प्रांतों से आने वाले दूषित हवाओं का कारण बुलंदशहर की आबो हवा खराब हो गई। वहीं जनपद बुलंदशहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तो घर से बाहर निकलने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वायु में इतनी अधिक जहरीली हवा है जो कि मुंह के अंदर जाती है तो किसान का दम घुटने लगता है। और आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं। अमितेश्वर पांडे जी, मंतालाल यादव जी, राधेश्याम रावत जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, भोसीलाल सिंह जी, ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, मतलब ये 15 शहर में 15 जगह से हमारे साथ सभी ये सज्जन महानुभाव जुड़े हुए हैं। और आज के कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग द्वारा गोरखपुर में ऊर्जा के वितरण कि जो नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, नए कार्यक्रम किए गए हैं, उन्होंने कुछ योजनाओं का लोकार्पण है, कुछ का शिलान्यास है। अभी विस्तार से ऊर्जा विभाग द्वारा वीडियो फिल्म भी बनाई गई है जिसमें प्रत्येक योजना का विवरण भी दर्शाया गया है। आपके निर्देशन में, मार्गदर्शन में विद्युत व्यवस्था सुधारने का ये बड़ा बीड़ा उठाया गया है, जिसको जिसमें से आधी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय आपके कर कमरों से कराया जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अपना स्वागत उद्बोधन करने के लिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
गोरखपुर से सांसद श्री रवि किशन जी, हमारे मेरे सहयोगी राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी, जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल जी, माननीय विधायक श्री शीतल पांडे जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री सीताराम जायसवाल जी, विदुष्वर जी, राकेश गुप्ता जी, ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारी एवं सभी इंजीनियर, यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी एवं हमारे सभी सहयोगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में सबको बिजली, निर्बाध बिजली का लक्ष्य आपने तय किया है और ऊर्जा विभाग उस लक्ष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले केवल लोगों के घरों में बिल आते थे, बिजली नहीं आती थी। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उजाला है, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक पूरे प्रदेश में उजाला रहता है, हर गांव में रोशनी रहती है। आपके नेतृत्व में ऊर्जा विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है। एक समय था जब प्रदेश में किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिलते थे, गांव के लोग ट्रांसफार्मर के लिए प्रयासरत रहते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दिशा निर्देश में आज गांव में और किसान को ट्यूबवेल 24 से 48 घंटे के अंदर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1,40,00,000 घरों में रोशनी पहुंचाने का काम ऊर्जा विभाग ने आपके नेतृत्व में किया है। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली का लक्ष्य ऊर्जा विभाग पूरा कर रहा है और आने वाले समय में कहीं कोई किसी भी घर में अंधेरा ना रहे, ये आपके आशीर्वाद से हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आज गोरखपुर के अंदर बिजली की कोई खामी ना रहे, उसके लिए आज आपके करकमलों से 215.77 करोड़ की लोकार्पण और शिला पूजन के कार्यक्रम आज आपके नेतृत्व में, आज के आपके करकमलों के माध्यम से ऊर्जा विभाग कर रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो आपने लक्ष्य ऊर्जा विभाग को दिया था 24 घंटे जिला मुख्यालय को, 20 घंटे तहसील को और 18 घंटे गांव को बिजली सुनिश्चित करने का, वो आपके नेतृत्व में ऊर्जा विभाग उस लक्ष्य को पूरा कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आने वाले समय में निर्बाध और सस्ती बिजली के लक्ष्य को हम, जो आपकी मंशा है उसके अनुसार अभी ऊर्जा विभाग ने और कार्ययोजना तैयार की है, उस पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय ऊर्जा मंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को बटन दबाकर करने का कार्य करें। आइए सरकार जी। के लिए निरंतर नए उपकेंद्रों की स्थापना एवं कार्यशील उपकेंद्र
केंद्रों की क्षमता वृद्धि करने के साथ साथ पुराने पारेषण वितरण तंत्र को उज्जीकृत किया जा रहा है, जिससे 24 घंटे और 7 दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य की पूर्ति हो सके। इसी क्रम में गोरखपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रुपए 216 करोड़ की लागत से पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं विकसित की हैं, जिन पर विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। गोरखपुर महानगर में विद्युत प्रणाली के शुद्धिकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रुपए 19.78 करोड़ की लागत से निर्मित वितरण स्कंद एवं पारेषण स्कंद की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। वितरण क्षेत्र के कार्य 33/11 के वी ओ केंद्र पागली बाजार की क्षमता वृद्धि का कार्य 33/11 के वी ओ केंद्र रानीबाग की क्षमता वृद्धि का कार्य विछिया क्षेत्र में तार एवं केबल बदलने का कार्य विछिया क्षेत्र में परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य महादेवा झारखंडी में परिवर्तक की स्थापना का कार्य महादेवा झारखंडी में क्षेत्र में तार एवं केबल बदलने का कार्य महादेवा झारखंडी में परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य शिवपुर सहबाजगंज में तार एवं केबल बदलने का कार्य सिमरा क्षेत्र में तार एवं केबल बदलने का कार्य हरिसेवक ग्रामीण क्षेत्र में तार एवं केबल बदलने का कार्य हरिसेवक ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य झरना टोला में तार एवं केबल को बदलने का कार्य झरना टोला में परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य जंगल तुलसीराम क्षेत्र में जर्जर तार एवं केबल को बदलने का कार्य चकसा हुसैन में तार एवं केबल को बदलने का कार्य खोलाबाद में 33/11 के वी उपस्थान की क्षमता वृद्धि 2x10 MVA से 2x10+1x5 MVA किए जाने का कार्य पारेषण क्षेत्र के कार्य 220 के वी उपकेंद्र बरमुआ गोरखपुर में क्षमता वृद्धि का कार्य 220/132/33 के वी उपकेंद्र बरमुआ गोरखपुर की क्षमता वृद्धि 2x160+2x100 MVA से 2x160+1x100+200 MVA का लोकार्पण इस उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि से जनपद गोरखपुर महाराजगंज के शहरी तथा ग्रामीण प्राइमरी उपकेंद्रों को सतत विद्युत आपूर्ति दी जा सके। गोरखपुर महानगर में विद्युत प्रणाली के शुद्धिकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 87.47 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली वितरण स्कंद एवं पारेषण स्कंद की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। वितरण क्षेत्र के कार्य बिछिया क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य बिछिया क्षेत्र में परिवर्तक की स्थापना का कार्य महादेवा झारखंडी क्षेत्र में पोल व तार का कार्य शिवपुरी सहबाजगंज में पोल एवं तार बदलने का कार्य शिवपुरी सहबाजगंज में परिवर्तक की स्थापना जंगल सालिग्राम में पोल व तार लगाए जाने का कार्य जंगल सालिग्राम में परिवर्तक का कार्य सिमरा क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य सेवड़ा में नए परिवर्तक का कार्य हरिसेवक ग्रामीण क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य झरना टोला क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य जंगल तुलसीराम क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य चकसा हुसैन क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य रानीबाग क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य महादेवा झारखंडी के दिव्य नगर क्षेत्र में
उप संस्थान वरलाई का कार्य, बिछिया क्षेत्र उप संस्थान वरलाई का कार्य, परिषद क्षेत्र के कार्य 132/33 के भी 2/40 MVA उपकेंद्र खजनी का शिलान्यास, उपकेंद्र के निर्माण के फलस्वरूप तहसील खजनी क्षेत्र एवं तहसील बासगांव के आंशिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। साथ ही गोरखपुर रिंग एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक विकास में कार्य सिद्ध होगा। इस उपकेंद्र के निर्माण से 220 केवी विद्युत उपकेंद्र बरौआ एवं 132 केवी विद्युत उपकेंद्र जीडा तथा 132 केवी विद्युत उपकेंद्र कौड़ीराम की अधिभारिता दूर होगी। 132/33 केवी 2/40 MVA उपकेंद्र मोहंतीपुर प्रथम की क्षमता वृद्धि 2/40 MVA से 1/40+1/63 MVA का शिलान्यास, उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि से गोरखपुर के शहरी क्षेत्र मोहंतीपुर विश्वविद्यालय तारामंडल इंजीनियरिंग कॉलेज खोराबार एक्स गोरखपुर के सभी व्यवसायिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी तथा इससे लगभग 1,00,000 की आबादी लाभान्वित होगी। 220/132 के भी उपकेंद्र मोतीराम अड्डा गोरखपुर पर स्टेशन परिवर्तन 20 MVA का शिलान्यास, उपकेंद्र पर अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने से उपकेंद्र के उपकरणों का अनुरक्षण एवं परिचालन सुगमता से किया जा सकेगा। और आप लखनऊ में देख रहे थे ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का गोरखपुर में शिलान्यास कर रहे थे माननीय योगी आदित्यनाथ। उनके साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर के सांसद रवि किशन तमाम लोग जुड़े हुए थे और जहाँ पर कई सारी योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जिस पर हमारा आज का सूबा है संकट में है सांसे। बुलंदशहर की बात कर रहे थे हम लोग, बुलंदशहर में प्रदूषण के मामले में स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने कहा है और कि सिर्फ पराली से ही दिक्कत नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर जो दिल्ली या आसपास सटे जो दूषित वायु आ रही वहाँ से भी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, जिससे सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है। AQI 365 पहुँच गया है, जिसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रशासन अपनी तरफ से तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल इलाके पर भी 3 फैक्ट्रियाँ बंद कराने से ही क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? या अगर हम बात करें क्या पराली ही हर चीज़ का पॉल्यूशन बढ़ता है या प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ किसान और पराली ही है? क्या वो जिम्मेदार नहीं है जो अपनी खराब वाहन जो सड़क पर चल रहे हैं, जिनकी सालों से सर्विस नहीं हुई, जो धुआं फेंकती गाड़ियां चल रही हैं? या वो जिम्मेदार नहीं जो फैक्ट्रियां चल रही हैं? गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो वहां का AQI गुरुवार की सुबह 635 पहुंच गया था। बढ़ रहा है, किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या आपको दिक्कतें हो रही है? आंखों में जलन हो रही है इससे और दिक्कत हो रही है काफी, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अभी कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले दूसरी बीमारी चालू हो गई है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वायु प्रदूषण की इस समय 350 के लगभग चल रही है और ये एक चिंता का विषय है कि शुद्ध वायु सबको मिलनी चाहिए। प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कृषि अवशिष्ट न जलाए, पराली न जलाए, गन्ने की पतेल न जलाए या फिर कहीं घास कूड़ा पत्ते उन सबको न जलाए, उसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, किसानों में गोष्ठियाँ की जा रही हैं, उसके अलावा वॉल राइटिंग कराई गई है गांव-गांव में और हर प्रयास से लाउड स्पीकर के माध्यम से ये प्रचारित भी निरंतर कराया जा रहा है। और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज की, इतने पॉल्यूशन बढ़ने या प्रदूषण बढ़ने की मेन दिक्कत क्या है, कहाँ पे समस्याएं आ रही हैं? सिर्फ किसानों पर आरोप मर देना कि पराली आप जला रहे हैं इसलिए इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, या पटाखे फोड़ना इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पर्यावरण अजय आर्या भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से निकेत तिवारी भी जुड़े हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी तरह हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय आर्या पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्राफिक्स के माध्यम को आपको बताते हैं सुबह में सांस लेना कहां मना है। कानपुर में AQI का स्तर, लखनऊ में AQI का स्तर 417 है, गाजियाबाद में AQI का स्तर 465 है, मुरादाबाद में AQI का स्तर 421 है,
दिल्ली में इकोआई का स्तर 458 है, बुलंदशहर में इकोआई का स्तर 365 है। हापुड़ की बात करें तो यहां इकोआई का स्तर 412 है। मेरठ में इकोआई का स्तर देखें 380 है, औरों के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन कानपुर की बात करें तो इकोआई का स्तर 410 है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां 417 है इकोआई का स्तर, और गाजियाबाद की बात करें तो इकोआई का स्तर 465 है। अब चर्चा को जारी करते हैं। अपना अजय आर्या जी हैं, पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे संवाददाता लखनऊ से अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अजय जी आपके पास आऊंगा, सीधा सीधा ये आरोप लगा देना कि पराली जल रही है और आप पड़ाके फोड़ रहे हैं, या तमाम चीजें करके आप किसानों पर ही सीधा बोझ डाल देते कि पराली जलने से आप पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है आपकी वजह से, और आप पर FIR होगी। FIR क्या उन फैक्ट्रियों पर नहीं होनी चाहिए जो जल रही हैं, जिनसे दूषित और विष टाइप का धुआं निकल रहा है, जिससे लोग की जानों पर आ बनी है? क्या मेरी सवाल मुझसे था? बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में सांस लेना दूभर सा ही हो गया है। मुरादाबाद की हम लोगों ने बात करी, वहां 380 है इक्यूआई, कानपुर की बात करें तो 410 है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां 417 है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, गाजियाबाद की बात करें तो वहां 465 है। इतनी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन दोष किसको दिया जाता है? पराली को, किसानों को, और किसी को नहीं। हाँ, मान सकता हूँ दिल्ली से सटा है, हरियाणा का भी अगर बात करें दूषित हवा आती होगी या धुंध आती होगी तो वो गाजियाबाद में आ जाती, लेकिन वहाँ की फैक्ट्रियाँ भी तो जिम्मेदार हैं। अगर बुलंदशहर में 3 फैक्ट्रियाँ बंद कराई गई तो कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिला होगा प्रशासन को, तभी वो बंद है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में भी आप फैक्ट्रियाँ बंद करा सकते हैं, कानपुर में भी इतना बड़ा चमड़ा उद्योग है, कहीं ना कहीं आप उसे भी रोक सकते हैं। अजय आर्या जी, मैंने आपसे सवाल किया, क्या किसानों पर ही सीधा आरोप लगाना कि पराली आप जलाते हैं, आप भी सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, आपकी वजह से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है, क्या उन डग्गे मार गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से आम जनमानस का सांस लेना दूभर हो गया है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि जब भी इस तरह की बात होती है तो एक तरफ से सभी लोग मुख्य रूप से जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, वो उस तरफ इंगित करने लगते हैं कि किसानों द्वारा जलाए जाने वाली पराली इत्यादि से जो वायु प्रदूषण है या AQI है उसका स्तर काफी गिरता है। परंतु ये मुझे कहीं ना कहीं से हास्यास्पद लगता है, और चूंकि मैं पर्यावरण का विद्यार्थी हूँ, पर्यावरण के विभिन्न विषयों पर मेरा शोध रहा है, और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ये जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका पराली जलने से कोई लेना देना नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अभी आपने इशारा किया और जो आपने AQI इंडेक्स बताया बड़े बड़े शहरों का, मेरा सवाल यह है कि क्या गाँव का भी AQI इंडेक्स टेस्ट हुआ, चेक किया गया? हम लोगों ने चेक किया तो ये पाया कि गाँव के आसपास ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा होती कि हम कह दें कि वहां पे पोल्यूशन लेवल या एयर क्वालिटी इंडेक्स औसत से ज्यादा खराब है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसको आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं से औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का एक दुष्प्रभाव है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैं आपको कालांतर में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। आज से लगभग 30 से 35 वर्ष पूर्व अगर हम गाड़ियों की संख्या देखें, अगर हम इंडस्ट्री की संख्या देखें, अगर हम भट्टे की चिमनियों की संख्या, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को भी देखें, तो हर चीज में बढ़ोतरी कई गुना से अधिक हुई है, नंबर एक बात। नंबर दो, जो ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, ये लोकल स्तर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको PM10 और PM2.1 कहते हैं, इनके स्तर को ये खतरनाक तरीके से बढ़ाता है। लेकिन ये आपने देखा होगा ज्यादातर समस्या जाड़े के दिनों में आती है, जब स्मॉग, बुरा
एटमॉस्फेयर में एक लो लेवल पे रहता है, तो इस धुएं की ऊपर नहीं जाने देता है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पराली जलने से ऐसी संभावना हो रही है, परंतु पराली का अपना एक एक क्षेत्र है, एक प्रभाव क्षेत्र है, उससे दूर पराली भी नहीं जाती है। तो ये कहना बहुत हास्यास्पद है और दुखद है कि किसान ही इसके लिए जिम्मेदार है, अन्नदाता कभी किसी किसी चीज को खराब नहीं कर सकता है। नंबर एक जी पूछे। अजय जी, अगर आपने बात कही कि अन्नदाता चीजों को खराब नहीं कर सकता है, अनिकेत के पास चलेंगे। अनिकेत, लखनऊ का AQI की अगर मैं बात करूं तो 417 है। आपके चौराहे पे, जिस चौराहे पे खड़े हैं, हजरतगंज का बड़ा लखनऊ का जाना माना चौराहा है, वहां पे आप पीछे देख सकते हैं गाड़ियों की हालत क्या होगी। उनमें मेरे हिसाब से 80% गाड़ियां धुआं दे रही होंगी, और क्या उनपे कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ इस पॉल्यूशन चेक हो रहा है उन गाड़ियों का क्या वहां पर? जी देखिए, यकीनन तौर पर विशाल, अगर राजधानी या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यकीनन तौर पर लापरवाहियां हैं ये, और जिसका ये खामियाजा लगातार जो आप देख रहे हैं, प्रदूषण लगातार यहां बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल प्रदूषण बोर्ड की अगर बात की जाए विशाल, तो यकीनन तौर पर उन्होंने एक जवाब मांगा था यहाँ के स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से और यहाँ के नगर निगम से, लेकिन अभी तक वहां से संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। हालांकि जब KNews ने लगातार प्रमुखता से प्रदूषण को लेकर खबर दिखाई, तो यहाँ के जो जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश है, उन्होंने जरूर संज्ञान लिया मामले पर, और जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक है प्रदूषण बोर्ड के रामकरण जी, उनका वेतन भी रोका गया है फिलहाल। लेकिन जिस तरह से अव्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से लगातार लापरवाहियां बरती जा रही हैं, तो उसका एक बड़ा खामियाजा, एक बड़ा कारण ये है कि जो राजधानी वासी हैं वो लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, अगर दोपहर का अगर मौसम की अगर बात करें विशाल, तो 2 बजे के मौसम में भी ये लग रहा है कि जैसे शाम के 7 बज चुके हैं, और जिस समय आप गाड़ी चला रहे हैं तो आंखों में भी धुंध लगती है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। और बात की जाए, बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेतन रोकना ही एकमात्र कार्रवाई नहीं, और तमाम चीजें करनी चाहिए। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लखनऊ से अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पर्यावरण के तौर पर अजय आर्या भी जुड़ चुके हैं, और बात उनसे वो भी बता रहे थे कि सिर्फ किसान पराली के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं KNews, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया, देख रहे हैं KNews, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चीजें सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। वैसे बधाई देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, और ऊर्जा विभाग को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिस गति के साथ ऊर्जा विभाग ने विगत 3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर ऊर्जा विभाग के कायाकल्प को करने की दिशा से ये कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, वास्तव में इसने आमूलचूल परिवर्तन करके प्रदेश की तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान ऊर्जा विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्य हुए हैं, लगभग 2.25 लाख गांव और मजदूरों तक विद्युतीकरण की कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के साथ ही प्रदेश के अंदर 1.24 करोड़ से अधिक उन गरीबों तक जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में बिजली का भी बल्ब जलेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से आज उनके घरों में बिजली जल रही है। गोरखपुर में मेरे साथ आप सभी लोगों ने बहुत बार
जब विरोधी दलों की सरकारें प्रदेश में हुआ करती थी तो आप लोग अक्सर विद्युत की अनियमित कटौती और भेदभाव के खिलाफ सड़कों पर उतर करके आंदोलन करते थे। आज आप देख रहे होंगे विद्युत की निर्बाध आपूर्ति आप सबको प्राप्त हो रही है। ये दृष्टि का अंतर है, शासन का दृष्टिकोण विकासपरक और रचनात्मक है तो कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन दृष्टिकोण अगर नकारात्मक है तो जो होने वाला होगा वह भी नहीं होगा, और उस नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण विकास पिछड़ा था, लोगों को विद्युत नहीं मिल पाती थी, सड़क नहीं मिल पाती थी और तमाम प्रकार की दुर्व्यवस्थाओं का शिकार न केवल व्यवस्था को बल्कि अंततः उसका शिकार कॉमन मैन को होना पड़ता था। आज इसमें व्यापक सुधार हुआ है और सुधार का ही परिणाम है कि सभी लोगों तक विद्युत निःशुल्क कनेक्शन देने का या विद्युतीकरण के कार्य को करने का हो, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने का हो, नए सब स्टेशन की स्थापना का हो या विद्युत की निर्बाध आपूर्ति करने का हो, इन सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार के कार्य हुए हैं उसी को अब अगले चरण में करने की दिशा से विद्युत विभाग ने जो कार्य प्रारंभ किए हैं, आपने देखा होगा कि जहां पे तार झूलते थे वहां पर विद्युत विभाग के द्वारा बहुत सारे स्थलों पर अब IPDS के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग डाल करके दुर्घटनाओं से बचाव की व्यवस्था की गई है, और साथ साथ आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपका कस्बा, आपका गांव ये अच्छा दिखे, यह भी एक अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। ऐसे ही जर्जर तार और पोल के कारण दुर्घटनाएं होती थीं, आज वे जर्जर तार और पोल को बदलने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर अलग अलग स्थानों पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे महानगरीय क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं एक नई आबादी बस जाती है, पुरानी विद्युत की व्यवस्था उसकी क्षमता कम होने के कारण वहां पर नए सब स्टेशन की मांग होती है, विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के बारे में लगातार मांग होती है। जब कार्य समय पे नहीं होते हैं तो वहां पे जो आबादी रहती है उनको वहां पर लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ये नए सब स्टेशन निर्माण की कार्रवाई जिस तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है, ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि सरकार का ध्यान उन सभी के प्रति है जो लोग शहरी जीवन पद्धति के से प्रभावित होकर के शहरी क्षेत्रों में आए हैं, लेकिन उनकी आय इतनी नहीं होती है कि वे बड़े बड़े बंगला सिटी के अंदर खरीद सकें, इसलिए शहर से सटे हुए क्षेत्रों में वे लोग अपना निवास बनाते हैं, वहां पर शहरी जीवन का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से वहां पर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। और आज इसी श्रृंखला में अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान भी पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोगों ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रदेश को भेंट दिया था, उनका लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम उस दौरान भी हुए थे, यानी लॉकडाउन के दौरान भी हमारा कार्य बंद नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के कारण त्रस्त थी तब उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी आबादी के राज्य में विद्युत आपूर्ति अनवरत बनाए रखने की कार्रवाई भी विद्युत विभाग ने प्रदेश के अंदर किया था। ये सभी ऐसे कार्य हैं जो पहले असंभव थे आज संभव दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए आप सभी के संज्ञान में बातें आनी चाहिए कि किस तेजी के साथ परिवर्तन दिख रहा है, और उसी परिवर्तन की श्रृंखला में आज गोरखपुर महानगर और जनपद के अंदर ऊर्जा विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्य वहां पर संपादित किए जा रहे हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 94.95 करोड़ रुपए की लागत से 7 ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास है, 12 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर शामिल है, और 108 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 4 नई परियोजनाओं को प्रस्तावित किया जा रहा है। ये परियोजनाएं बहुत शीघ्र वहां पर
प्रारंभ होंगी, जिसमें शिलान्यास के लिए दिव्यनगर गोरखपुर महानगर में लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए वहां पर एक 2x5 MVA क्षमता के 33/11 KV उपकेंद्र का वहां पर निर्माण कार्य होना है। 6,48,00,000 रुपये यह जनवरी 21 तक यह कार्य संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से बिछिया में भी 33/11 उपकेंद्र का एक कार्य यहाँ पर प्रस्तावित है, जिसमें शिलान्यास आज हो रहा है, जिसमें 9,44,00,000 रुपये की लागत से कार्य होगा। ये भी जनवरी तक ये कार्य भी संपन्न पूरा हो जाएगा। गोरखपुर महानगर के अंदर जो मैंने कहा बहुत मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर बांस बल्ली से बिजली खींची जाती थी। मुझे याद है जब मैं लॉकडाउन के बाद गोरखपुर गया था तो हमारे सभी जो वहां के सांसद हैं, महापौर हैं, माननीय विधायकगण हैं, पदाधिकारी हैं, इनके साथ जब मेरी बैठक हो रही थी तो इन लोगों ने इस बात की मांग की थी, वहां पे एक आध जगह दुर्घटना भी घटित हुई थी, कि बांस और बल्ली से आज भी लोग जो है केबल में बिजली लेके जा रहे हैं। विद्युत विभाग ने इस समस्या का समाधान किया है, इसके लिए 10,94,00,000 रुपये इसके लिए गोरखपुर के लिए मंजूर किए हैं और एक कार्य प्रयास किया गया है कि दिसंबर 20 तक यानी इसी वर्ष 20 तक दिसंबर तक इस कार्य को संपन्न करने का कार्य होगा। इसी प्रकार से 132 केवी उपकेंद्र का निर्माण भी, जिसमें 56,21,00,000 रुपये की लागत से इस कार्य को भी वहां पर 31 जनवरी 2022 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 132 केवी का एक सब स्टेशन मोदीपुर में इसकी क्षमता को बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है। इस क्षमता विस्तार में 2,65,00,000 रुपए खर्च होने हैं और 31 जनवरी तक यह कार्य भी संपन्न होगा। 132 केवी का एक सब स्टेशन बरोहुआ में इसकी क्षमता विस्तार की भी कार्रवाई हो रही है। 7,48,00,000 रुपए की लागत से इस कार्य को भी वहां के लिए स्वीकृत किया गया है, जो 31 जनवरी 2021 तक इस कार्य को भी संपन्न किया जाएगा। मोतीराम अड्डा में भी क्षमता विस्तार की एक कार्रवाई, वहां पर सब स्टेशन की क्षमता विस्तार की कार्रवाई 1,75,00,000 रुपए की लागत से जनवरी 21 तक यह कार्य भी वहां पर पूरा होगा। ये सभी कार्य वहां पर जो शिलान्यास के संपन्न हुए हैं और लोकार्पण की दिशा से आज 33/11 KV एक सब स्टेशन जो पादरी बाजार का है, यह 26,00,000 रुपए की लागत से इस कार्य का, इसके माध्यम से पादरी बाजार, पिपराइस रोड, सरस्वतीपुरम, हरसेवकपुरम, हनुमंतपुरम आदि जो क्षेत्र के हैं यहाँ के लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। 33/11 KV रानीबाग उपकेंद्र की क्षमता को बढ़ा करके इसमें 27,00,000 रुपए की लागत से इस परियोजना को वहाँ पे पूरा किया गया, जिसमें रानीबाग, कजाकपुर, बड़गो, सेमरा यहाँ के लोगों को इसका लाभ इसके माध्यम से प्राप्त होगा। खोबरावार में ही 33/11 KVA का 5 MVA के ट्रांसफार्मर के स्थापना का कार्य 77,68,000 रुपये की लागत से इस कार्य संपन्न हुआ है, जिसमें रामगढ़, खोरावार, सुबा बाजार, सिकतौर यहाँ के निवासियों की बड़ी आबादी को, गोरखपुर ग्रामीण की बड़ी आबादी को इसका लाभ वहाँ पर प्राप्त होगा। इसके साथ ही 11 गोरखपुर में 250 KVA और 400 KVA के नए ट्रांसफार्मर के स्थापना का कार्य लगभग 3,90,00,000 रुपए की लागत से गोरखपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जो पुराने और जर्जर तारों को हटाकर ये भी केबल डालने का कार्य 3,10,00,000 रुपए की लागत से, गोरखपुर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में पुराने और जर्जर तारों को हटाकर के ये भी केबल डालने का कार्य 4,00,00,000 रुपए की लागत से, ये विभिन्न कार्य आज वहाँ पर जो इन कार्यों को वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के कार्य गोरखपुर के अंदर हैं, जिसमें 60 किलोमीटर का LT ये भी केबल डालने का कार्य 4,80,00,000 रुपए की लागत से इस कार्य को वहां पर प्रस्तावित किया जा रहा है। जर्जर जो क्षतिग्रस्त हैं 100 किलोमीटर की लगभग ये डाक तार लगाए जाने के कार्य हैं, 1,20,00,000 रुपए की लागत से इस परियोजना को वहां के लिए प्रस्तावित किया गया है। 1,000 क्षतिग्रस्त जो स्टील पोल हैं, पहले से ही क्षतिग्रस्त पोल हैं, इनके स्थान पर नए पोल लगाने के कार्य को
1,50,00,000 रुपए की लागत से इस कार्य को वहां के लिए प्रस्तावित किया गया है और एक नया सब स्टेशन जो 220/33 ABGIS विद्युत उपकेंद्र खोराबार इसके लागत 101 करोड़ रुपए से अधिक है, ये कार्य गोरखपुर की जनता के लिए प्रस्तावित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी गोरखपुर के जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, वहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और संगठनों के कार्यकर्तागण भी उपस्थित हैं, जनता जनार्दन भी उपस्थित है, इन सबको दीपावली के अवसर पर इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आपने देखा होगा कैसे विकास के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है। सरकारें पहले भी थीं और सरकार पिछले 3.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सरकार भी कार्य कर रही है। केंद्र में पहले भी सरकार थी, पिछले 6 वर्ष के अंदर हुए कार्यों को भी आपने देखा होगा किस तरीके से व्यापक तस्वीर बदली जा सकती है और व्यवस्था के माध्यम से जनता का विश्वास कैसे अर्जित किया जा सकता है, इसके उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूँगा कि जो विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं, ये सभी कार्य पहले भी किए जा सकते थे लेकिन विकास की सोच की कमी थी और विकास की उसी सोच की कमी का परिणाम था कि उस समय सरकारों का ध्यान प्रदेश के अंदर जातीय वैमनस्यता पैदा करने, दंगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके उनके नौकरी और रोजगार पर सेंध लगाने, हर एक विभाग में संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर रहता था। लेकिन प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा कि लगभग 3.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी देने का कार्य किया गया, प्रदेश के अंदर नौकरियों की एक नई श्रृंखला खड़ी हुई है, निवेश नए सिरे से प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में निवेश देखने को मिल रहा है। निवेश का मतलब केवल एक उद्योगपति आकर के पूंजी नहीं लगा देता बल्कि उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाएं और विकास की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ती हैं, हमारे यूथ को उसके अनुरूप वहां पर कार्य भी मिल पाता है और साथ साथ डेवलपमेंट की ढेर सारी संभावनाएं उसके माध्यम से आगे बढ़ती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, या जो हमने प्रस्तावित किया है गंगा एक्सप्रेस वे, या एयरपोर्ट के विकास के बारे में आप सोचिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज हमारे 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, हम 14 पे नए कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे स्थलों पर यानी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश के विकास को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। आज सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है, हमने हर इंटर स्टेट यानी उत्तर प्रदेश राज्य जिस भी राज्य जिस भी देश के साथ हमारी सीमाएं जुड़ेंगी वहां हमारी कनेक्टिविटी 4 लेन की होगी, हमारे जनपद मुख्यालय में 4 लेन की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तहसील मुख्यालयों को हम 4 लेन से ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन की सड़कों से जोड़ेंगे, गांव गांव में सड़कों का जाल बिछेगा, ये कार्य पूरे स्तर पर चल रहे हैं। COVID-19 के बावजूद सरकार ने हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। हम लोग कोरोना से भी लड़ रहे हैं लेकिन एक आम जन को परेशानी न हो, विकास की प्रक्रिया कहीं थमने न पाए, इस पर भी हमारा पूरा जोर है और उसी जोर को हम इसलिए संभव कर पा रहे हैं कि शासन स्तर पर मंत्रीगण अधिकारीगण इस कार्य को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं, वहीं साथ ही साथ फील्ड स्तर पर जनप्रतिनिधि और फील्ड में तैनात हमारे अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का कार्य भी करते हैं। मैं इस अवसर पर आज गोरखपुर वासियों को एक साथ इतनी परियोजनाओं को सौगात देने के लिए ऊर्जा विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो ये कार्य आज लोकार्पित हुए हैं इसका लाभ
गोरखपुर वासियों को और पूर्वांचल वासियों को शीघ्र प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है, इस शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं अतिशीघ्र वहां पर कार्य करती हुई दिखाई देंगी और इसका लोकार्पण बहुत शीघ्र हम लोग समय से इस कार्यों को पूरा कर सकेंगे, मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा कर पाएंगे। जो कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, मैं वहां पे स्थानीय प्रशासन से कहूंगा कि उनकी जमीन संबंधी कोई भी विवाद होगा इसको तत्काल उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा लें, जिससे प्रस्तावित परियोजनाओं को भी बहुत शीघ्र वहां पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति के लिए उसको संभव बनाया जा सके। ये सभी प्रकार के कार्यों को समयबद्धता के साथ मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हम पूरा कर पाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय सांसद गणों को, विधायक गणों को, महापौर जी को, संगठन के पदाधिकारियों को, विभिन्न सामाजिक संगठनों के जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी वहां पे कार्यकर्ता गण आए हैं, गोरखपुर की जनता है, इन सबको कि दीपावली के पहले हम लोग अच्छे ढंग से अपने शहर को, अपने मोहल्ले को सजावट करते हुए, बचाव के साथ सजावट करते हुए अपने पर्व और त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ, उत्साह और उमंग के साथ मना सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने जहां पर बताया कि काफी सालों से जहां पर हम लोग गोरखपुर में बात करें तो कई जगह पाइप से या बांस से तारों को लटकाया गया था, उसके उसी परियोजनाओं को जब सांसदों ने और मेयर के जब गोरखपुर दौरे पर थे योगी आदित्यनाथ जी, तो उनसे शिकायत की गई तो उसको दुरुस्त करने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं घर घर तक गोरखपुर के बिजली पहुंचे और प्रदेश भर में भी जहां पे बिजली नहीं वहां पहुंचने पर ये योजना चलाई जाएंगी। हम लोग सुबह बोलेगा मैं बात कर रहे थे सांस लेने में संकट है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल है। और इसी में हमारे संवाददाता लखनऊ से अनिकेत जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपके पास आऊंगा, आप लखनऊ से जुड़े हैं। लखनऊ की अगर बात करूं तो AQI का जो मानक है वो 417 है, क्या वहां पर जो कार्रवाई की जा रही है, DM अभिषेक प्रकाश ने वहां पर रोक दिया वेतन प्रदूषण बोर्ड के कर्मचारियों का, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, लेकिन उसका हल क्या निकला, क्या पोल्यूशन कम हुआ है वहां पर? लेकिन कहीं ना कहीं विशाल लापरवाहियां भी देखने में साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि यार विशाल अगर राजधानी की बात करें तो आप देख रहे हैं राजधानी में तस्वीरें ऐसी हैं कि आज राजधानी में ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर काम ना चल रहा हो। जगह जगह पर खुदाई कर दी गई, सीवर लाइन डाली जा रही है पूरी राजधानी लखनऊ में, बहुत जगहों पर मेट्रो का काम चल रहा है, तो बहुत सारी जगहों पर ऐसी जगह है जहाँ पर खुदाई कर दी गई है और वहाँ मिट्टी बाहर निकली पड़ी है। अब ऐसे में नगर निगम को यह ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर समय समय पर वहाँ पर जल का छिड़काव कराया जाए ताकि जो धूल जोड़ती है उसे रोका जा सके। तो ऐसी लापरवाहियां जरूर देखी जा रही है, और इसके साथ जो निर्माण कार्य लगातार एक साथ शुरू करा दिए गए हैं, तो ये भी हो सकता था कि एक जगह पर काम कराने के बाद जब वहाँ पर पूरी तरह से काम खत्म हो जाए उसके बाद दूसरी जगह काम कराना चाहिए। बावजूद इससे इतर देखा जा रही तस्वीरें कि हर जगह पर खुदाई शुरू हो रही है, राजधानी लखनऊ की अलग अलग जगहों पर सीवर लाइन डाली जा रही है, बहुत जगह पर मेट्रो का काम चल रहा है, तो खुदाई बड़े स्तर पर है, काम बड़े जोरों शोरों पर हो रहा है। हालांकि काम करना है बेहतर काम है, जरूरी भी है, वो भी आवश्यक है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, और लगातार ये हिदायत भी दी जा रही है कंट्रोल रूम बोर्ड की तरफ से, सेंट्रल कंट्रोल रूम बोर्ड लगातार हिदायत दे रहा है कि इस पर रोकथाम की जाए, लगातार प्रयास किया जाए, तो उस पर लापरवाही जरूर बरतते हुए विभाग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और उसी क्रम में जो यहाँ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश है, उन्होंने जरूर कार्रवाइयों का दौर शुरू करते हुए तो प्रदूषण कंट्रोल रूम बूथ के क्षेत्राधिकारी अदाम करण उनका वेतन रोक दिया, और बहुत सारे ऐसे अन्य कर्मचारी जिनका वेतन रोक दिया गया है, ताकि उस प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। और जो अब लापरवाहियां बरती जा रही है, जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे, जो जिम्मेदार लोग हैं जिन पर ये दायित्व तो बनता है कि वो इस तरीके की व्यवस्था रखे ताकि जो प्रदूषण है वो ना बढ़े, तो ये एक हिदायत जरूर हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में ये जरूर ध्यान रखना होगा यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के नगर निगम को और यहाँ के प्रदूषण कंट्रोल रूम बोर्ड को कि कैसे और क्या व्यवस्थाएं की जाए ताकि राजधानी और प्रदेशवासी कोरोना के महाकाल के साथ साथ इस प्रदूषण बढ़ते प्रदूषण में भी इसकी चपेट में ना आए, क्योंकि विशाल जब हम सड़कों पर निकल रहे हैं। एक सवाल भी है आपसे अभिषेक प्रकाश, आज जाके हैं जब 417 हो चुका है
AQI का प्रेशर। अब जागे हैं अभिषेक प्रकाश जो जिलाधिकारी हैं लखनऊ के। महोदय, अगर 7 महीने पहले से जाग गए होते, क्या पहली बार तो पॉल्यूशन बढ़ नहीं रहा था कि पहली बार बढ़ रहा हो? आप 7 महीने पहले से इस पे लग जाते, आप 7 महीने पहले से इन अधिकारियों का वेतन रोक देते, उन पे कार्रवाई करते, तो शायद आज जो 417 है तो वो 117 होता या 100 के नीचे होता। क्या 7 महीने पहले कार्रवाई नहीं कर रहे थे? सिर्फ पॉल्यूशन से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत नहीं है? पिछले 10 सालों को आप देख ली, सर्दी ठंड पड़ना कम हो चुकी है, इससे कई नुकसान हो रहे हैं। पेड़ लगाते नहीं बन रहे हैं, जो लग रहे हैं उनको देखरेख नहीं हो रही है। लेकिन जब आप कार्रवाई जब करते हैं, जब आपके ऊपर बात आती है, जब ऊपर से प्रेशर होता है, अब आप किसान को पकड़ नहीं सकते हैं, फालतू में किसान को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, फालतू में किसानों को आप पराली के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने पराली जलाई, उन्हें जब तक आपका इस पर सबूत ना हो। अजय अर्रा जी, मैं आपके पास आऊँगा। सर्दी 10 सालों में कम हो गई है, सिर्फ अधिकारियों पे 2 दिन के अंदर आप कार्रवाई कर दीजिए कि उनका वेतन रोक दिया है मैंने, अब वो अच्छा काम करेंगे। क्या वेतन रोक देना, अगर काम होता तो सबका वेतन रोक के भाई साहब आप काम ही करवा लीजिए। अगर उससे पॉल्यूशन रुक जाता है तो सब लोग वेतन रुकवाने को तैयार है अपना। जी विशाल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और पर्यावरण और प्रदूषण के मामले में न जिलाधिकारी कुछ कर सकते हैं, न प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं, न मुख्यमंत्री कुछ कर सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो वो वैज्ञानिक कर सकते हैं। और कमोवेश इस देश की स्थिति यह है कि जो ग्रास रूट वर्कर है, किसान है, वैज्ञानिक है या इंजीनियर है, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के तलवों के नीचे रहता है। इसी वजह से तमाम समस्याएं हैं। जिलाधिकारी को ज्ञान ही नहीं है कि पराली होती क्या है, PM10 क्या होता है, PM संभवतः उनको ज्ञान नहीं है, 2.5 क्या होता है, रोड डस्ट क्या होती है, रोड डर्ट क्या होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होते हैं, उनको रोका कैसे जा सकता है। एक सिरे से कह देते हैं कि गरीब किसान पराली जला रहा है, उससे अमीरों को सांस लेने में दिक्कत होती है। कहाँ का लोकतंत्र है ये, कौन सा देश है? जहाँ वैज्ञानिकों को काम करना चाहिए वहाँ ब्यूरोक्रेट बताता है कि कोविड को कंट्रोल कैसे करना है, डॉक्टरों को निर्देश जिलाधिकारी देते हैं। मेरी समझ के बाहर है, I could not understand, मैं नहीं समझ सकता कि जिलाधिकारी का क्या विवेक है कि जो विज्ञान के क्षेत्र के भी नहीं है, वैज्ञानिक कोई शोध नहीं किया है, वो सस्पेंड कर देंगे, वेतन रोक देंगे। तो सबसे पहले तो जिलाधिकारी का वेतन रुकना चाहिए। अगर जिलाधिकारी के वेतन रुकने से प्रदूषण की समस्या का समाधान हो जाता है तो लाइसेंस क्यों देते हैं पटाखा बिकने का? क्यों लाइसेंस देते हैं ऐसी अनफिट गाड़ियों को जो 10 साल से ऊपर डीजल की गाड़ियां हैं, NGT ने बैन लगा रखी है, कैसे चल रही है, क्या कर रहा है SP ट्रैफिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का? बहुत सारी चीजें हैं। क्या कर रहे हैं माननीय मंत्री जी जो ट्रैफिक कंट्रोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? जिलाधिकारी काम करेगा, जिलाधिकारी भी काम करेगा, और वो अधिकारी भी काम करेगा जिसको प्रदेश में रहना और अपनी अच्छी छवि बनानी है। काम सबको करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस भी ये बात नहीं मानता है, उसको वही काम करना। मैं अब बात बताऊं, मैं जो आंखों देखी है, आप 10 बार एक आदमी को मना करिए कूड़ा यहाँ नहीं जलेगा। अनिकेत हमारे साथ जुड़े हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, लखनऊ या तमाम ऐसे संवाददाताओं को खड़ा करके पूछ लीजिए कि वो जितनी बार नगर आयुक्त या प्रशासन के पास जाएंगे कि यहाँ फला जगह खुले में कूड़ा जलता है, उनके पास चलानी कार्रवाई की जाती है, हमेशा 1000 रुपये 500 का चलानी कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया जाता है। अरे उन पर कार्रवाई करो, नगर आयुक्त को सही से, महापौर को इस पर बोलना चाहिए, शहर के महापौर बोले कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कूड़ा खुले में जला रहे हैं। यहाँ पर कानपुर की अगर मैं बात करूँ तो A2Z का प्लान पड़ा हुआ है, वहाँ पर दिन भर आग लगती रहती है और धुआं बढ़ता रहता है, इतने चमड़ा उद्योग से जुड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो सिर्फ किसानों पर, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? डग्गे मार ट्रक चला रहे हैं, सिर्फ कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाता है। वेतन रोकने से अगर पोल्यूशन रुकेगा तो कहीं ना कहीं सबका वेतन रुकना चाहिए। और प्रधानमंत्री और DM की बात नहीं है, जब तक हम आप नहीं सुधरेंगे तो पोल्यूशन और बढ़ता रहेगा, उसकी कोई रोकथाम नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय आर्य जी आपका जुड़ने के लिए हमसे, और अनिकेत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग सुबह बोलेगा में बात कर रहे थे, आज सांस लेना क्यों दूभर है, इस पर हमने बात करी अजय आर्य जी से, उन्होंने बताया, अनिकेत हमारे संवाददाता भी इस पर जुड़े हुए, तो उन्होंने तमाम रोचक तत्व बताया कि क्यों दिक्कत हो रही है। अभिषेक प्रकाश लखनऊ के DM, उन्होंने जो कार्रवाई करी उस पर भी हम लोगों ने देखा, उन्होंने क्षेत्राधिकारी प्रदूषण बोर्ड के जो थे उनका वेतन रोक दिया, उनसे अच्छे से काम करने की हिदायत दी है। तो फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही, देखते रहिए KNews India, नमस्कार।